तो भक्ति के तीन सूत्र हैं। सबसे पहला विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास के बिना भक्ति कैसी है? जैसे बिना श्वास के इंसान, बिना श्वास के इंसान कैसा होता है? एक डेड बॉडी के जैसा है। वो है तो सही लेकिन जीवित नहीं है, किसी काम का नहीं है, अपवित्र है। ऐसी भक्ति तो हृदय में है लेकिन यदि उसमें विश्वास नहीं है तो वो भक्ति एक अच्छा संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक विश्वास नहीं होगा। बेटी के लिए, बेटा के लिए अच्छा वर या अच्छे वधु का आप लोग ढूंढने जाते हैं तो तब तक संबंध नहीं करते जब तक आपका मन पूरी तरह विश्वास से युक्त नहीं हो जाए कि नहीं, यहां मेरी बेटी, यहां मेरा बेटा खुश रहेगा। तो जब तक ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं हो जाए तब तक संबंध नहीं बनाना है। कथा सुन सुन करके, संतों का संग करके विश्वास दृढ़ हो जाए तो संबंध भगवान से बनाओ। संबंध कौन सा बना मैं? कोई भी। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। भगवान आप जो संबंध में भगवान को पाना चाहेंगे भगवान उस संबंध में राजी हैं। मैं अपनी कथा में ऐसा कहा करता हूं, जिस संबंध का अभाव आपके जीवन में है, देखो संबंधों से परिपूर्ण इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई ना कोई कमी तो सबके जीवन में है। किसी को पुत्र है तो पुत्री नहीं है, पुत्री है तो पुत्र नहीं है, किसी की मां है तो पिता नहीं है, पिता है तो मां नहीं है। किसी का ब्याह हो जाता है, किसी का जीवन भर नहीं होता तो बेचारे सन्यासी महात्मा बन जाते हैं। ऐसे लोग क्या करें? और एक और बात, सबसे बड़ा संबंध जो बहुत मुश्किल से मिलता है, मित्रता, सखा, अच्छे मित्र नहीं मिल पाते। तो ये सारे संबंधों का जो अभाव है जीवन में, उस अभाव की जगह पर भगवान का भाव स्थापित कर दो। पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र मानो। देखो भागवत की कथा आपको क्या प्रदान करती है? एक सकारात्मक बुद्धि प्रदान करती है, सकारात्मक सोच प्रदान करती है। यदि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हुआ, उसके प्रति कोई नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। अरे अरे मैंने वो शनि भगवान का तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हुआ, मैंने हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हुआ, मैंने उन संत को प्रणाम नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भाव कभी मत लाइए। हर स्थिति के पीछे कोई ना कोई भगवत कृपा मान करके जीजिए।